Good morning, dear children. Today we will see the subject science, and the topic is helpful animals. मतलब कि जो पशुएं हैं, मतलब जो पशुएं हमको हेल्प करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. सो लेट्स सी. वी टेम सम एनिमल्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस. ठीक है, कुछ कुछ एनिमल्स को हम लोग पालते हैं घर पे, जो लोग हम लोगों को सहायता करते हैं. वी कीप देम ऑन फार्म्स और इन द बैकयार्ड ऑफ आवर होम्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पशुओं को हम लोगों का घर जो है करके पिछले साइड में हम लोग कोई घर बना के उसको उन लोगों को रखते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. मतलब कि गृहपालित तो बोलते हैं उसको. मतलब कि हम लोग जैसे हम लोग जीते हैं उसी के तरह हम लोग उन लोगों को भी हम लोगों के साथ ही रखते हैं, लेकिन अलग घर में रखते हैं. ठीक है, जो हर दिन का हम लोगों का साथ जुड़ा हुआ है. बफलोज, काउस, डोंकीज, गोट्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स. तो डोमेस्टिक एनिमल्स का ये कुछ है जो कि एग्जाम्पल्स हैं. नाउ इसमें दिया है कलर द डोमेस्टिक एनिमल्स इन द पिक्चर. कलर द डोमेस्टिक एनिमल्स इन द पिक्चर, मतलब आप लोग किताब में ही कर सकते हैं. जो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब कि घर पे जो हम लोग पालते हैं, उन सब एनिमल्स का आप लोग कलर कीजिए आपका बुक में. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज. ओके, एनिमल्स गिव अस फूड. मतलब कि एनिमल हम लोगों को खाना देते हैं. ओके, जैसे कि हो गया मिल्क, मतलब दूध. तो एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स एंड बफेलोज गिव अस मिल्क. मतलब कि जैसे गरु हो गया, फिर गोट्स हो गया और बफेलोज हो गया, ये सारे क्या करते हैं, हम लोग को दूध देते हैं, जो कि हम लोग पीते हैं. वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हम लोगों को हर दिन मिल्क ड्रिंक करना चाहिए. वी ऑल्सो मेक कर्ड, बटर, खोया, घी, क्रीम, पनीर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क. मतलब कि हम लोग ये दूध से हम लोग बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं. ठीक है, और हम लोग बनाते भी हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर हो गया, खोया हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया. वी एड मिल्क टू टी, कॉफ़ी एंड शेक्स. मतलब कि हम लोग चाय, कॉफ़ी और शेक्स बनाने का टाइम पर भी हम लोग दूध को इस्तेमाल करते हैं. ओके, इसमें आप लोग देखिए कि क्या क्या है. जैसे कि काऊ है, गोट है, बफेलो, ये तीनों ही हम लोगों को दूध देते हैं. और दूध से क्या होता है, मतलब कि ये तीनों से ही दूध आ रहा है, उसके बाद हम लोग ये दूध से जो तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग चीज़ बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं और बटर बनाते हैं, जो कि हम लोग खाने में खाते हैं. ओके, नेक्स्ट हो गया आपका एग्स. ठीक है, मतलब कि अंडा. हेंस गीज एंड डक्स गिव अस एग्स. मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे हम लोगों को अंडा प्रोवाइड करते हैं. ओके, मतलब अंडा देते हैं जो कि हम लोग खाते हैं. एग्स आर वेरी हेल्दी फॉर अस. मतलब कि जो अंडा है ये बहुत हेल्दी फूड हो गया हम लोगों के लिए. एग्स कैन बी ईटन बॉइल्ड, स्क्रैम्बल्ड, पॉज्ड और एज ऑमलेट्स. ठीक है, ये हम लोग अंडा को कैसे खा सकते हैं, जैसे कि बॉयल करके खा सकते हैं, स्क्रैम्बल करके खा सकते हैं, पॉज बना के खा सकते हैं, ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं. वी ऑल्सो यूज देम इन केक्स एंड पेस्ट्रीज. मतलब कि ये देखिए, ये तीनों डिफरेंट तरीके का एनिमल है, इसमें से अंडा आया, तो अंडा को लेके हम लोग जैसे पेस्ट्री, ऑमलेट, केक हम लोग बनाते हैं. ओके, फाइन, नेक्स्ट हो गया आपका मीट. हम लोग मीट खाते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं. सम पीपल कुक एंड ईट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप. मतलब कि एनिमल में जैसे गोट और शीप हो गया, ये क्या करते हैं, इसका जो मांस होते हैं, मीट होते हैं, उसको हम लोग पका के खाते हैं. दे ऑल्सो ईट एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब, प्रॉन एक्सेट्रा लिविंग इन द सी एज सी फूड. मतलब कि ये सारे चीज़ जो है, जैसे फिश हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन एक्सेट्रा, जो लोग सी में, मतलब समुंदर में रहते हैं, इसको बोला जाता है सी फूड. तो वो सी फूड भी हम लोग खाते हैं. दिस पीपल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. मतलब ये सारे चीज़ जो लेते हैं, मतलब कि जो कि चिकन वगैरह, ये मटन वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन.
मतलब कि वेज नहीं है, ये नॉन वेज खाना है, ठीक है। हनी, वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीज, मतलब कि ये जो है जिसको हम लोग मौचाक बोलते हैं, ठीक है, इसमें से हम लोगों को क्या मिलते हैं, हनी मतलब मधु मिलते हैं, और वैक्स मतलब मोम मतलब कैंडल जिससे बनाया जाता है वो मिलते हैं। जैसे कि तो बी बीहिप्स मतलब कि इससे ये जो बी है ये क्या करते हैं, इसका एक घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद इसके अंदर ये लोग डिफरेंट डिफरेंट फूलों से ये लोग मधु संग्रह करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये लोग इसका अपना घर में रखते हैं, और यही घर से हम लोग फिर हम लोगों को मिलता है हनी। और ये जो घर है, इस हनी के बाद जो पड़ा रहता है उसमें कुछ चीज़ है जिसको वैक्स बोला जाता है, वो वैक्स को यूज़ करके हम लोग कैंडल बनाते हैं, ठीक है, जो कि अंधेरा में काम आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेंगे, नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे दिया है मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विथ व्हाट वी गेट फ्रॉम देम इन कॉलम बी, मतलब ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी में आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे कि हेन से क्या मिलता है हम लोगों को, बी से क्या मिलता है हम लोगों को, तो उस हिसाब से आप लोग उसको घर पे बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फाइन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।